नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री पीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक रहे हैं बीकानेर वेस्ट से। हम इनसे जानेंगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है इस लोकसभा चुनाव के लिए। बीकानेर में अर्जुन राम वर्सेस गोविंद राम, किसका पलड़ा कितना भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में जो 8 विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनमें प्रमुख रूप से जैसे डूंगरगढ़ में CPM और CPI दोनों के लड़ने से वहाँ BJP जीत गई थी, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। मैं गया था गिरधारी लाल जी का इंटरव्यू करने, उन्होंने बताया मुझे इस चीज के बारे में। डूंगरगढ़ के लोगों से भी हमने जाना, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस बिल्कुल वहाँ लोगों को समस्याएं हैं, पानी की तो आगे है। हम बात करें यहाँ शहर के एरिया की, जहाँ से आप विधायक रहे हैं, 2008 तक आप विधायक रहे हैं, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ ईस्ट से, सिद्धि कुमारी आज तक चौथी बार विधायक हैं, आप ये चुनाव इस बार हारे, शहर की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, बीकानेर शहर में हमारे चुनाव के वक्त में एक राम भद्राचार्य जी महाराज आए थे। हालांकि धर्माचार्य जो हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चार पुरुषार्थों में उनको मोक्ष के मार्ग में कैसे जाएं, आदमी अपने जीवन को कैसे सफल बने, लेकिन आजकल धर्माचार्य भी राजनीति में एक तरीके से भाग लेने लग गए और उनका सब लोग आदर करते हैं, हम भी आदर करते हैं। उन्होंने एक इशारा करके और यहाँ लोगों को डाइवर्ट करने का कोशिश की। इसी प्रकार एक हमारे शिवबाड़ी के मैन जी हैं, जिनको हम ही लोगों ने मिलकर के गद्दी पे बिठाया था, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा में ये नाम लेकर के कह दिया कि भी BJP को वोट दें, इस नाम को वोट दें। तो इसके कारण से थोड़ा लोग दिग्भ्रमित हो गए, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और आम आदमी भी इस बात को समझता है कि BJP ठग है, वो हमेशा किसी न किसी रूप में धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को डाइवर्ट करती है। लेकिन जो वायदे उन्होंने किए थे कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हम किसान की इनकम दुगनी करेंगे, हम BJP के लोगों ने ये कहा था हम काला धन लाएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए लाएंगे, ये सारे वायदे खोखले साबित हुए और कहीं जमीन पे नजर नहीं आए। इन्होंने ये भी कहा था रसोई गैस सस्ती करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, इनके भाव लगभग दुगने हो गए हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। अब हम इन बातों को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर शहर में भी अधिक से अधिक वोट कांग्रेस के पक्ष में जाए। महाराज जी के बारे में आपने जिक्र किया कि उन्होंने कांग्रेस को, भाजपा को समर्थन देने की बात कही। गोविंद राम जी ने महाराज जी के बारे में बताया, कौन है वो महाराज जी, इतना उनका प्रभाव कैसे है कि लोग वोट दे रहे हैं उनके कहने पर, और वो किस प्रभाव में है, क्यों इस तरह के बयान देते हैं संत होकर भी, क्या उनका सरकार की तरफ से कोई दबाव है या उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, राम भद्राचार्य जी महाराज अच्छे कथावाचक हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किंतु धर्माचार्यों को राजनीतिक रूप से या तो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लें, और नहीं करें तो उनको कभी किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए ये करने में। जी, आपके मंत्री भी रहे हैं, आपके सांसद अर्जुन राम मेघवाल, 15 साल का उनका कार्यकाल रहा है, 2 बार वो लॉ मिनिस्टर और 1 बार लॉ मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, इतने बड़े पदों पर। यहाँ की मुख्य मांगे थी हाईकोर्ट की बेंच या रेलवे फाटक की समस्या हो या रिंग रोड्स हो या फ्लाईओवर्स हो, या उन्होंने कहा एक नदी का पानी जो पाकिस्तान जा रहा है उसे हम रोक कर बीकानेर की जनता को प्रोवाइड करेंगे। ये जो चीज़ें उन्होंने कही, इनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ, उसके बारे में बताइए। जो बातें उन्होंने कही वो केवल कागजों में रह गई। रेलवे फाटकों की समस्या के लिए मैंने रानी बाजार में सबसे पहले पुल बनाया, अभी रानी बाजार में एक पुल और हमने बना दिया। इसी प्रकार चौखुंडी के फाटक पर, पुरानी जैसलमेर रोड पर, पूगल रोड पर, 4-5 स्थानों पर हमने रोड ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनाए। लेकिन जो अर्जुन राम जी हमारे सांसद यहाँ BJP से रहे हैं, उन्होंने रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। अब 2 शहर के फाटक हैं, उसके लिए भी अभी जो लास्ट बजट आया था तो अशोक जी गहलोत से मैंने आग्रह करके 35 करोड़ रुपए की मंजूरी ले रखी है।
और इसका समस्या का समाधान भी ये इम्प्लीमेंट होने पर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। पोटास का कारखाना नहीं लगा, ड्राई पोर्ट नहीं बना, और जो हिमाचल में रावी, ब्यास, सतलम, झेलम और जो हमारे इन नहरों का पानी जब बाढ़ के वक्त में हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में चला जाता है, उसको ये कहा था कि हम इसको रोक कर लाएंगे, करेंगे, ये सब बातें खोखली साबित हुई। आपके समर्थकों ने 2018 में जब आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो विरोध हुआ और पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ बीकानेर में। उसके बाद आपका नाम अनाउंस हुआ, आप जीते भी, मंत्री भी बने। कैसा आपका कार्यकाल रहा? बॉटम मिनिस्टर, रिहैबिलिटेशन ग्राउंड वाटर के मंत्री रहे, फिर आप शिक्षा मंत्री बने, ASI के मंत्री बने लिटरेचर एंड कल्चर के। बीकानेर आज भी एक अनडिस्कवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है टूरिज्म की हम बात करें, एज कम्पेयर टू जोधपुर, जैसलमेर। क्या कमियां रही, क्या आपके विजन थे बीकानेर के लिए? अब आपकी सरकार बदल चुकी है तो आप चाहेंगे कि वैसे होने चाहिए। देखिए, PhD मिनिस्टर के रूप में मैंने 619 करोड़ रुपये की योजना पेयजल की, जो 2052 की मांग को कैटर करेगी, उसको मंजूर कराया। और वो आप जाकर के देखें कि रिजर्वायर बन रहे हैं, टंकियां बन रही हैं, लगभग करीब करीब ये समझिए कि 1,500 किलोमीटर की पाइपलाइनें अलग अलग साइज़ की बीकानेर में बिछेगी, 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, ये काम शुरू हो चुका है। इसी प्रकार मैंने बीकानेर के रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान किया। बीकानेर में आज 5 विश्वविद्यालय हैं, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2 प्राइवेट 2 गवर्नमेंट के। मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी, उसको बढ़ा करके हमने 250 सीटें करवा दी। DM का कोर्स है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है यहाँ। 4 नेशनल लेवल के रिसर्च सेंटर हैं, नेशनल कैमल ब्रीडिंग फार्म, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, और इसके साथ साथ यहाँ पर आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ आप जाकर के देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब से ट्रेन आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, वहाँ तक के रोगी आकर के यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। ये सारे काम कांग्रेस ने किए, हम लोगों ने किए। इसी प्रकार टूरिज्म के मैप पर बीकानेर था ही नहीं, हमने यहाँ पर मेले शुरू किए, उसके माध्यम से आज आप जाकर के जूनागढ़ में देखेंगे तो आपको हर मौसम में 1,500 आदमी। मैं खुद गया था 2 महीने पहले, मैंने बहुत भीड़ देखी वहाँ पे, लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सब पहले हम लोगों ने ब्रोशर छपवाया, पहले बीकानेर का ब्रोशर ही नहीं था। आज बीकानेर में मैं समझता हूँ उसके बाद काफ़ी प्राइवेट होटल्स भी आए, लोगों ने अपने घरों को होटल डिक्लेयर किया। और बीकानेर का जो जूनागढ़ है, बिना अपना ये नेशनल कैमल ब्रीडिंग फॉर्म है, बीकानेर की हवेलियाँ हैं, ये शहर 1,000 हवेलियों का शहर कहलाता था। उसको देखने के लिए, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, और हमने इन मेलों को जनता से जोड़ने का काम किया है, उससे काफ़ी काम हुआ। लेकिन BJP बताया कि उन्होंने बीकानेर में क्या किया, उनका भी शासन रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी पिछले टेन्योर में मैंने यहाँ डेयरी साइंस कॉलेज खुलवाई, दूध का कलेक्शन सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि यहाँ डेयरी साइंस कॉलेज होना चाहिए। डेयरी साइंस कॉलेज खुलवाया, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज खुलवाया, आयुर्वेद का यहाँ बड़ा महत्व, आयुर्वेद का कॉलेज मंजूर कराया, 2 सामान्य कॉलेज मंजूर कराया, 1 महिलाओं का, लड़कियों का कॉलेज और 1 सामान्य कॉलेज। ऐसे अनेक काम बीकानेर में हमने किए हैं, लेकिन BJP नहीं बता सकती। हमने जितने भी सेकेंडरी स्कूल थे उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले ताकि गांव के लोग IAS अफसर बन सकें, गांव के लोग RS अफसर बन सकें, गांव के लोग आगे बढ़ सकें। इन लोगों ने तो केवल मात्र हमारे दो के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने एक लंबी लिस्ट रख दी बीकानेर के लोगों के सामने आपके गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के कामों की, उसके बावजूद क्या ऐसे कारण रहे आप ये चुनाव हारे? मैंने आपको बताया ना कि राम भद्राचार्य यहाँ लोग जो है धार्मिक हैं, सब लोग जानते हैं। बीकानेर पर ये धर्म की राजनीति क्या इस लोकसभा चुनाव में हावी नहीं होगी? धर्म के बारे में ये हम कोशिश करेंगे, लोग ठगाई में नहीं है, ये तो ऊंचे ठग हैं। आप जानते हैं कि BJP का काम ही मतलब क्या ठगने का है। हम कोशिश करेंगे लोग इनकी ठगाई में नहीं आए।
जी, अशोक गहलोत सरकार में पहले जब मंत्रियों की लिस्ट निकली तो 3 मंत्री थे ऐसे जिन्होंने पीएचडी कर रखा, उसमें आप है डॉक्टर बुला की दास कल्ला, आपने बीएससी की, एलएलबी की, पीएचडी भी की, रामपुरिया कॉलेज में प्रोफेसर थे, टीचर बेटर था या नेता बेटर? देखिए, टीचिंग जॉब नोबल प्रोफेशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मेरा जो राजनीतिक जीवन जो है, शुरू से मैं बहुत ही पढ़ने वाला विद्यार्थी था, हमारी क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था, मैट्रिक में मेरे 98% मार्क्स मैथमेटिक्स में आए थे और ऑप्शनल में 92% मार्क्स आए, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में हम पढ़ने गए तो वहाँ रैगिंग होती थी, रैगिंग के खिलाफ हमने मोर्चा लिया और लोगों ने मुझे ही आगे नेता बना दिया। तो उस समय मैं, जिस समय कॉलेज का अध्यक्ष था, तो फर्स्ट क्लास की जगह मेरा 3rd डिवीज़न से पास हुआ, तो मैंने सोचा ये तो बहुत मामला गड़बड़ है, फिर मैंने वापस अपना सब्जेक्ट बदला। वालों से डांट नहीं पड़ी कि पढ़ाई वाला हमारा बच्चा ये क्या हो गया, नेता बन रहे हैं, नंबर कमा रहे हैं? नहीं, घर वाले तो प्रोत्साहन देते थे कि भाई पढ़ाई करो और अच्छा करो, तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स में ज्वाइन किया और फिर 2nd पोजीशन से पास हुआ, फिर मैंने एलएलबी की एंड आई वाज डूइंग पीएचडी ऑन द यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंसेस बाय फार्मर्स इन राजस्थान। इट वाज ए स्टडी ऑफ एरिड जोन इंक्लूडिंग बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड एरिड पार्ट ऑफ राजस्थान। एट दैट टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड बीन टू जेल, so I also had been to jail with 100 of you. Jail Bharo Andolan, you was part of that. During Jail Bharo Andolan. तो उस आंदोलन के बाद फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा और ये लाइन फिर यही बन गई और इसमें आया, तो मैं कम से कम ये है कि मैंने अपने नोबल प्रोफेशन को लजाया नहीं। मैं 24 साल तक मंत्री पद पर रहा हूँ, लेकिन कभी कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता बी डी कल्ला ने कभी किसी से कोई रिश्वत ली है, बी डी कल्ला ने कभी कोई किसी से गलत काम किया। आप ताजुब करेंगे, मैं 24 साल तक मंत्री पद पर रहा हूँ, बीकानेर में मेरा 1 इंच का पट्टा नहीं है। आप 80 से विधायक बने, 5 बार विधायक बने, मंत्री भी रहे तमाम पदों पर, उस समय के जो दौर था पुराने नेताओं के साथ, आप भी पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, आज के समय में ये जो राजनीति का चलन चला है, सोशल मीडिया हो, तरह तरह की बयानबाजी हो, वाद विवाद हो, आरोप प्रत्यारोप हो, वो समय, उस समय की राजनीति, इंदिरा जी के समय की आपने बात की, भैरव सिंह जी थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी, उस समय के दौर में और आज के दौर में क्या डिफरेंस फाइंड करते हैं राजनीति? पहले लोग सत्य के करीब थे, अब सत्य से हटते जा रहे हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब लोग क्या है कि राजनीति में वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये सब इस्तेमाल करने लगे। पहले लोग सत्य के करीब थे, हाँ कभी कभी लोग गुड़ लपटी बात कर लेते थे, लेकिन करीब करीब सच्चाई के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर वोट मांगते थे। अब मैनिफेस्टो को तो लोग जुमला कहने लगे, आपने खुद देखा होगा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना हमारा चुनावी जुमला था, तो जो खुद ही कहते हैं चुनावी जुमले थे, तो अब उस राजनीति में, इसकी राजनीति में रात दिन का अंतर हो गया। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है, मीडिया जो है एक तरफा नहीं था, अब गोदी मीडिया हो गया है। जी बिल्कुल, ये आपका आरोप हमारे लिए तो लागू नहीं होता, क्योंकि हम आपसे भी आपके विचार जानने हैं, सबसे जानने आए। आपने कई मुख्यमंत्री देखे होंगे, आज भजनलाल सरकार है राजस्थान में, आपने वसुंधरा राजे का दौर देखा, विपक्ष के रूप में आप नेता प्रतिपक्ष रहे, आपके खुद की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, तीनों मुख्यमंत्री में किसे देना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री सभी अच्छे थे और सभी ने, मैं तो कई बार मंत्रिमंडल में, मुझे याद है कि मैं कभी नहीं बोलता था, तो मेरे को कहते कल्ला जी आप की कह रहा है, सभी मुख्यमंत्रियों ने तवज्जो दी और सभी अच्छे थे। आज जो राजस्थान सरकार चल रही है, भजनलाल सरकार, उस पर क्या कमेंट है आपका? भजनलाल जी एक्चुअली में इनएक्सपीरियंस है, उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा और कुल मिलाकर के जो बीजेपी की कार्य करने की शैली है वो सारा काम केंद्रित है, इनको फ्री एंड देना चाहिए और वहाँ पर जिस तरीके से ये लोग केंद्र के माध्यम से राज्य सरकारों को चलाते हैं, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 75 वर्ष के आप हो गए, अमूमन ये देखने को मिलता है, नेता कभी बूढ़े नहीं होते, सत्ता का एक मोह कहें या राजनीति में रहने का, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है, आप आज भी इतने यंग दिखते हैं, ये क्या कारण है ये मेंटेनेंस का, 75 के लगते ही नहीं है बिल्कुल?
देखिए, मैं नियमित रूप से 45-50 साल से योग कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, और मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। पिछली बार मेरा टिकट कट गया था तो मुझे लोगों ने कहा इंडिपेंडेंट लड़ना होगा। मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी का काम करूंगा, संगठन का काम करूंगा, मुझे किसी चीज़ का मोह नहीं है। कुर्सी छोड़ने को तैयार थे मतलब आप? ये तो सारी जनता ने देखा है, हजारों लोगों के बीच में जब लोगों ने कहा, अब मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी का काम करूंगा, संगठन का काम करूंगा। आज भी आप ये देख रहे हो कि हमारे पे अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के कितने दबाव थे और कई कितने प्रलोभन थे, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं हैं। एक लास्ट मैसेज बीकानेर की जनता के लिए इस चुनाव को देखते हुए। मैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वे कांग्रेस को वोट दें, इंडिया गठबंधन को वोट दें। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है आज, दक्षिण में बीजेपी की पूरी तरीके से साफ है, पूर्व में भी कोलकाता वगैरह में, इधर में जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा, और उत्तर भारत में भी जो पीछे बीजेपी ने परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस में कमी आएगी। इंडिया गठबंधन जहाँ 1:1 है, वहाँ निश्चित रूप से परसेंटेज के हिसाब से इंडिया गठबंधन जीत की स्थिति में है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए हैं और जो चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, वो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होंगे और देश का चहुंमुखी विकास होगा। इसलिए कृपा करके कांग्रेस को वोट दें, किसी की ठगाई में नहीं आए।